पंजाब के लुधियाना में कोरोना वायरस के 167 संदिग्ध मरीजों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। शहर में बड़ी तादाद में कोरोना संदिग्धों के गायब होने से प्रशासन भी चिंता में है। ऐसा बताया जा रहा है कि लापता अन्य 29 संदिग्धों के बारे में पता चल गया है, लेकिन 167 कोरोना संदिग्धों की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस का 6वां पॉजिटिव केस मिला। ऐसा बताया जा रहा है कि मरीज ने यूके की यात्रा की थी। मरीज को एक सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए नेशनल जूलॉजिकल पार्क को 31 मार्च तक बंद किया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सीबीएसई ने बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को सर्दी की शिकायत है उसे मास्क दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि विदेश में 276 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से ईरान में 255, यूएई में 12, इटली में 5 और हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक एक भारतीय शामिल हैं। गुजरात में राज्य परिवहन निगम बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के एहतियातन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पंजाब के जेल मंत्री एसएस रंधावा का कहना है कि उन्होंने पंजाब सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जेल में छोटे मोटे अपराध में बंद 2800 अपराधियों और कम मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े गए 3000 लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने बताया कि अभी इस पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। 6 मार्च को अमेरिका से लौटने वाले 56 वर्षीय व्यक्ति और स्पेन से लौटने वाली 26 साल की लड़की में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लोगों को प्रसाद से पहले सैनिटाइजर दिया जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है। यह शख्स इंडोनेशिया गया हुआ था, वहां से यह शख्स 4 दिन पहले ही भारत लौटा था। नोएडा का अब तक का यह 4वां मामला है। सुप्रीम कोर्ट 6 बेंच पर काम कर रही थी, लेकिन गुरुवार से सिर्फ 4 बेंच पर ही काम करेगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि सिर्फ तत्काल सुनवाई की जरूरत वाले मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी। कोरोना के खौफ को देखते हुए पंजाब के मोहाली में छोटे मामलों में पकड़े गए 5800 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भी कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सुरक्षा के कदम उठाते हुए नासा ने अपने 17,000 कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।